11.5.1 हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन। पहला, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस H2 दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा बनाई जाती है। अम्ल एवं क्षारक अध्याय में आपने हाइड्रोजन गैस बनाने की इस विधि के बारे में पढ़ा है। इस अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। क्रियाकलाप 2। एक वुल्फ बोतल में थोड़ा सा दानेदार जिंक लीजिए। दिए गए चित्र के अनुसार बोतल के एक मुंह पर थीसेल किप और दूसरे पर मुड़ी हुई निकास नली लगाइए। निकास नली के दूसरे सिरे में रबर की नली लगाकर जल से भरे ट्रफ में रख दीजिए। गैस को इकट्ठा करने के लिए जल से भरे गैस जार या परख नली को उल्टा कर ट्रफ में निकास नली के ऊपर रख दीजिए। थीसेल कीप द्वारा वुल्फ बोतल में इतना तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए कि थीसेल कीप का निचला सिरा अम्ल में डूब जाए। थोड़ी देर बाद ट्रफ में गैस के बुलबुले दिखाई देंगे। जल के विस्थापन द्वारा एकत्रित गैस हाइड्रोजन ही है। यह परीक्षण आप कैसे करेंगे? दूसरा, दानेदार जिंक की क्षार के साथ अभिक्रिया से भी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। Zn सॉलिड प्लस ट्वाइस NaOH एक्वस इज इक्वल टू Na2ZnO2 एक्वस सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस। हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन बनाने के लिए दानेदार जिंक, तनु सल्फ्यूरिक या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, थीसिल फनल, वुल्फ बोतल, ट्रफ, निकास नली, मधुकोश मंच, गैस जार आदि की आवश्यकता होती है। दानेदार जिंक को वुल्फ बोतल में लिया जाता है तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को थीसिल फनल की सहायता से वुल्फ बोतल में डाला जाता है। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है तथा जिंक सल्फेट बनता है। जिंक सल्फेट वुल्फ बोतल में शेष रह जाता है तथा हाइड्रोजन गैस निकास नली के द्वारा गैस जार तक पहुंचती है। हाइड्रोजन गैस हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है, इसलिए इसे पानी के अधोविस्थापन द्वारा एकत्र किया जाता है। इस अभिक्रिया के समीकरण को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। सावधानियां। हाइड्रोजन गैस को एकत्रित करते समय यदि उसमें हवा मिल जाए तो ज्वाला के संपर्क में आते ही मिश्रण में विस्फोट होता है। अतः गैस को सावधानीपूर्वक एकत्रित करें तथा परीक्षण के लिए जलती माचिस की तीली परख नली के अंदर न डालें बल्कि उसके मुंह के पास रखें।